ना क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन सेज द स्पेरिकल मिरर इज ऑप्टेंड एज शोन इन द फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लासफेयर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और हमें दिया हुआ है फिगर ड्रॉन एज सिस्टमेटिक एंड नॉट टू स्केल ठीक है फेन तो so, हमें जो ऑब्जेक्ट uh, इमेज uh, uh, जो बनेगी वो ऐसे बताना है कि ये अपना मिरर और इस मिरर का ये अगर आप इसको जीरो जीरो ले रहे हैं तो ये जो है ये हमें दिया हुआ है इसमें सिक्सटीन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि रेडियस विल बी एट सेंटीमीटर रेडियस अगर एट सेंटीमीटर है तो फोकस विल बी इक्वल टू जिसको हम आरबर टू लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ये आपका आ, फोकस होएगा ना और यहाँ पे क्योंकि मिरर अपने को ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स तो इसकी साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर सेंटीमीटर फोकस हम यहाँ यह यूज़ करेंगे अपना जो ऑब्जेक्ट है ये एट है और ऑब्जेक्ट यहाँ बारह लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर अपने को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सो वी कैन सेफली अज्यूम ये दस सेंटीमीटर पर रखा हुआ है इसका मतलब यू की वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी नाउ अगर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करें तो वी विल बी इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ़ यू की वैल्यू हमने रखी माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाई एफ हमने रखा माइनस फोर डिवाइडेड बाय यू आया माइनस टेन और माइनस माइनस फोर इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी प्लस फोर्टी डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स यानी कि v की वैल्यू हो गई माइनस ट्वेंटी बाय थ्री नाव ये आपकी v की वैल्यू uh, क्योंकि नेगेटिव आ रही है इसका मतलब आपकी रियल इमेज होएगी रियल इमेज होएगी और मैग्नीफिकेशन देखेंगे उसको हम लिखते हैं माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू से आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस ट्वेंटी बाई थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई यू आपका माइनस uh, टेन था सो so इसकी वैल्यू आ गई माइनस टू बाई थ्री ना क्योंकि आपका एम uh, जो है नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इन्वर्टेड और इसकी वैल्यू क्योंकि आपकी वन से कम हो रही है तो इसका मतलब होएगा नॉन मैग्नीफाइड यानी कि स्मॉलर नाउ इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ऑफिशियली एन ने आंसर दिया है वन uh, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फोर कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है इमेज uh, जो है वो आपकी रियल है और नॉन मैग्नीफाइड है सो आंसर शुड भी आपका फोर होना चाहिए हो सकता है कुछ दिनों में इस पर करेक्शन आ जाए